आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच 9 नवंबर और 10 नवंबर को खेला जाना है, लेकिन उससे पहले आईसीसी ने नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं और ये सारा प्रक्रिया हुआ है बारिश को ध्यान में रखकर। जैसा कि आपको पता होगा, अक्सर मैच में होता है कि बारिश की वजह से मैच अक्सर फंस जाता है और DLS मेथड के द्वारा कई बार ऐसी टीमों को खासकर फायदा पहुंचता है जो दावेदार भी नहीं होती, क्योंकि उनको बाद में 5-5 ओवर के मैच खेलने को मिलते हैं। आईसीसी ने इस नियम में थोड़ा सुधार किया है और आईसीसी का मानना यह है कि कम से कम एक टीम को 10 ओवर अगर न खेलने को दिया जाए तो शायद मजा नहीं आएगा। और इसी चीज को देखते हुए आईसीसी ने भी नियमों में जो बदलाव किए हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कभी बारिश होता है तो सेकेंड इनिंग में खेलने वाली टीम को भी तब तक मौका मिलेगा, यानी कि 10 ओवर खेलने का मौका उसे भी मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट पर नहीं जाया जाएगा, उस मैच को कैंसिल कर दिया जाएगा और वह मैच अगले किसी रिजर्व दिन पर खेला जाएगा। आपको बता दें कि फाइनल मैच 13 नवंबर को होना है मेलबर्न में। इसको देखते हुए बीच में 2 या 3 दिन का गैप रिजर्व डे के दिन रखा गया है, यानी कि अगर कभी ऐसा होता है कि 10 ओवर खेलने की स्थिति भी नहीं होती है तो टीमों को उसके किसी बाद के दिन पर खेल दोबारा उस मैच को कराया जा सकता है। इससे देखिए फायदा दो होगा, एक तो वो ऑडियंस जो कि मैच देखने आई है उसको 5-5 यानी 10 ओवर के बजाय 10-10 ओवर के दो पालियां के देखने को मिलेंगी, यानी टोटल 20 ओवर उनको एंटरटेन करने को मिलेगा। इससे ये होगा कि शुरुआत में अगर कोई टीम का परफॉर्मेंस खराब है तो वो अगले 5 ओवर में जरूर सुधार सकता है और दोनों ही टीमों के पास इतना मौका होगा कि वो अपने रन रेट को कुछ अच्छा बना सके और वो ऑडियंस जो मैच देखने ग्राउंड पर आई है उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि 20 ओवर का मैच तब भी उन्हें देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड पहली ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अभी भी कसमों कसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इन दोनों टीमों में से फाइनल के लिए सेलेक्ट कौन होगा। लेकिन ग्रुप टू में इंडिया साउथ अफ्रीका प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। यहाँ पर अभी कोई भी टीम सेमीफाइनल की रेस में बहुत आगे नहीं है कि जिसको सेलेक्टेड माना जाए, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक तो होगा ही, और अगर ये दोनों अपने आने वाले मैचेस जीतते हैं टीमें तो इनमें से कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि रेस में बने रहने के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका में से कोई भी टीम अपना एक मैच हारे और पाकिस्तान अपने आने वाले सारे मैचेस अच्छे मार्जिन से जीते तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस रेस में आपको देखने को मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बाहर हो जाएगा और इंडिया और साउथ अफ्रीका में से ही किसी एक टीम को आपको फाइनल में देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये जो नया नियम आया है इसमें काफ़ी अच्छी बात ये है कि खासकर इसमें ऑडियंस को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनको धुआंधार पारी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल के जो दो मैच हैं ये बहुत मायने रखते हैं और लोग बहुत दूर दूर से इन्हें देखने जाते हैं। ऐसे में अगर उनको सिर्फ 5-5 ओवर के मैच देखकर वापस आना हो तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए लगता है कि ये 10 ओवर के जो मैच होंगे अगर मौसम ख़राब होता है, बारिश होता है, तो भी उन्हें काफ़ी हद तक संतुष्टि मिलेगी, और अगर मौसम बहुत ख़राब होता है तो ये मैच उस दिन तो नहीं होगा लेकिन उसके बाद के किसी एक दिन पर हो सकता है, जो कि नॉर्मल तरीके से ही होगा। आप इस नए रूल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।